जिला अस्पताल सहित जनपद में 60 केंद्रों पर 12,014 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,021 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,993 लोग शामिल है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, साथ ही मेडिकल कॉलेज, एम्स तथा CHC PHC पर टीकाकरण चल रहा है। शुक्रवार को महिला जिला अस्पताल तथा संक्रमण विभाग पर लोगों की भीड़ कम रही और लोग शांतिपूर्वक अपने वैक्सीनेशन करवाते नजर आए। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जनता से अपील किया है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जब जरूरी हो तभी घरों से निकलें और मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इन्हीं उपायों से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वेरिफिकेशन आज हमारे ज़िले में 60 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ है और साथ साथ हमारे BRD मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय पुरुष और महिला और संक्रामक रोग और हमारी CHC PHC पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सब जनता से क्या जनता से अपील है कि कोरोना भी गया नहीं है, लेकिन हमारे ज़िले में कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पर है। लोगों से हमारी अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से बाहर अन्य सस्ती ना निकलें, जब भी ज़रूरी काम हो तभी निकलें और जब भी निकलें तो मास्क पहन के निकलें, मास्क अच्छी तरह से लगाएं, नाक उससे ढकी रहे पूरे समय तक, और जब घर में जाएं तो मास्क अगर आपका डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोज आप कर दें, और अगर आप कपड़े का मास्क है तो उसको धुलने में डाल दें और धुल करके दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल करें, इसी से इसका पालन करें। और वैक्सीनेशन सेशन चल रहा है कोविड का, आप अपना रजिस्टर करा लीजिए, जब आपकी बारी आए तो वहाँ जाकर अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। इन्हीं दोनों विधियों से ही कोरोना को हम मात दे सकते हैं और कोरोना एकदम खात्मे पर, हमारे ज़िले में खात्मे पर है। अभी आप लोगों से कई महीनों तक सहयोग की ज़रूरत है, सबको वैक्सीनेशन हो जाए और कोरोना का सिंगल केस भी ना आए कई महीनों तक, तभी हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं, नहीं तो तब तक हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है।